ये रोड शो जो है शुरू हो चुका है, और आपको बताएं देवघर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और पहले उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया, उसके साथ ही एम्स का भी। और देखिए तमाम जगहों पर आपको कई किलोमीटर लंबे इस रोड शो में सड़क के दोनों ओर दिखाई दे रहे आम लोग और बीजेपी वर्कर्स। उनके लिए प्रधानमंत्री का देवघर में आना और देवघर में प्रधानमंत्री का, पहले प्रधानमंत्री का ऐसे जो बाबा बैद्यनाथ के धाम में पूजा करने जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ वहां पर नहीं गए हैं, वो वहां आज प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी रखी गई है। तो आप जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर में यहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, सख्त सुरक्षा है। और देवघर के लिए आज एक बड़ा खास दिन भी है, पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन, उसके साथ साथ एम्स की सौगात, और दोनों ही चीजें देवघर ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जिलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। चार साल पहले जिनका स्वप्न देखा गया, जिनकी आधारशिला रखी गई, चार साल बाद आज उनका उद्घाटन भी हो रहा है। बीजेपी के झंडे जगह जगह लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो थोड़ी देर में यहां पर शुरू होने वाला है। फिर बता दें आपको, ये आपके सामने देवघर की तस्वीर है, झारखंड का देवघर, जहां प्रधानमंत्री आज सुबह से मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले वो संबोधन कर रहे थे देवघर के नवनिर्मित एयरपोर्ट से, जहां उन्होंने देवघर की एयर कनेक्टिविटी जब दुनिया से बन जाएगी उसका कितना फायदा होगा बताया। 5 लाख लोग सालाना देवघर से और देवघर को उड़ान भर सकेंगे। पूरे विश्व के साथ कनेक्टिविटी देवघर की जुड़ेगी और साथ ही एम्स जैसी आधुनिक अस्पताल के बनने से जिन लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था देवघर से, उनको ए ग्रेड इलाज जो है वो अब देवघर में ही मिलेगा। देखिए ये कुछ लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हाथ में लेकर के आए हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है। लोकप्रियता का एक उदाहरण है, एक पंचायत तो जगह जगह नारे लग रहे हैं, लोग आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगी वेशभूषाओं में वहां पर मौजूद, हाथों में देखिए फूल जो है लोगों को बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूरे काफिले में उन पर फूल बरसाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैयारी है, उनके लिए बड़ा जोश का अवसर है आज प्रधानमंत्री का झारखंड में पहुंचना। इससे पहले इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार 5 वर्ष झारखंड में रही थी, तो एक प्रमुख दल वहां पर है, प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में अपना दमखम दिखाने का मौका आज बीजेपी को वहां पर मिलेगा और जहां जहां से प्रधानमंत्री की गाड़ी गुजरेगी आप देख रहे हैं उस पर पुष्प वर्षा करने की तैयारी की जा रही है। तो ये रोड शो चल रहा है इस वक्त देवघर की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज हेमंत सोरेन ने भी धन्यवाद दिया कि ये जो एयरपोर्ट की परियोजना जिसका कई वर्षों से देवघर को इंतजार था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वो पूरी हुई और उसका संकल्प पूरा हुआ और लोगों को वो समर्पित भी कर दी गई। तो तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की, यहां से वो थोड़ी देर में बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचेंगे जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और वहां पहुंचकर वो जलाभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर उनकी एक सार्वजनिक सभा है वो एक कॉलेज ग्राउंड में रखी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम और बड़ा आयोजन आज देवघर में किया गया है प्रधानमंत्री के इस दौरे में, और इसके बाद वो यहां से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां भी एक बड़ा विशेष कार्यक्रम है, पटना का विधानसभा भवन, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा परिसर में भी पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विवेक शांडिले जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों ओर लोग खड़े हुए हैं हाथों में फूल लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। बताइएगा जरा प्रधानमंत्री का कितना किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है और यहां से क्या वो सीधा मंदिर जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ आप, ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो है और दोनों तरफ लोग खड़े किए गए हैं, 54 स्टॉल बनाए गए हैं, 54 स्टॉल में अलग अलग स्कूल सेल्फी का चलन है। आप देख रहे हैं कि साथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर खींचने के लिए, एक सेल्फी खींचने के लिए और
घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाते हुए। ये कुछ एम्बियंस आप सुनिए और इससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकेगा। एक संवेद स्वर का शोर जो है, जो उत्साह का माहौल है, पीछे दौड़ती हुई भीड़ और सुरक्षा कर्मियों को निश्चित तौर पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत उत्साहित जनता है, प्रसन्न चित्त है लोग अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को अपने बीच पाकर। और गाड़ियों के साथ तो आप देख ही सकते हैं कितना उत्साह लोगों के बीच में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं, जो गाड़ी आपको आगे दिखाई दे रही है इसी में प्रधानमंत्री हैं, चारों ओर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से लोगों को सड़क किनारे रोक कर रखा गया है। और जहां से और गाड़ी आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा, जहां जहां से भी वो गुजरे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। बाकी बहुत जोश खरोश और उत्साह से भरे हुए इस वक्त झारखंड के लोग हैं, इनमें आम लोग भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन हर किसी के लिए प्रधानमंत्री को इतना नजदीक से देखना एक विशेष पल जरूर होता है। एक बार फिर हम विवेक के पास चलते हैं। जी विवेक, आप बता रहे थे 12 किलोमीटर लंबा रोड शो और यहां से सीधे फिर वो बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ आप, इस वक्त हम रैली स्थल पर मौजूद है, देवघर कॉलेज का इलाका, यहां पर प्रधानमंत्री लगभग 3 बजे पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त रोड शो जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं और एक ये तस्वीर देखिए मेरे ठीक पीछे, जहां पर भारी संख्या में लोग आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको लोग नजर आएंगे और ये लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं। सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, जब भी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री आते हैं उनका रोड शो आता है, क्राउड चीयर करती है, क्राउड में शोर होता है, लोग एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और जब प्रधानमंत्री यहां पर होंगे तो वो तस्वीर देखने लायक होगी। आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या होगा वो मैं आपको जल्दी से संक्षेप में बता दूं। प्रधानमंत्री देखिए, एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है सामने जिस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यहां पर मौजूद लोग लाइव देख पा रहे हैं। ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो सीधे मंदिर जाएगा। मंदिर के अंदर तकरीबन 20 से 30 मिनट का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है, जहां गर्भगृह में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। और वहां पर जब ये पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, रोड शो के लिए 40 मिनट का वक्त दिया गया, पहले ये वक्त कम था लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है यहां पर और सड़क पर दोनों ओर इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों के प्यार को, लोगों के उत्साह को देखते हुए ये वक्त बढ़ाना पड़ा। 40 मिनट लगभग ये वक्त लगेगा जिसमें से 15 से 20 मिनट खत्म हो चुका है और यहां पर अभिनंदन रैली होगी देवघर कॉलेज में। मेरे वीजे को आपको दिखाया कि जो सौगात प्रधानमंत्री ने दी है उसे लेकर बीजेपी ये अभिनंदन रैली ऑर्गेनाइज कर रही है, जहां प्रधानमंत्री को बुलाया गया। ये झारखंड बीजेपी की तरफ से है। दरअसल झारखंड को 16,800 करोड़ की परियोजना मिली, एम्स मिला, एयरपोर्ट मिला देवघर को, तो एक खास रैली का आयोजन। तो प्रधानमंत्री जब रोड शो खत्म होने के बाद मंदिर पहुंचेंगे, मंदिर में गर्भगृह में बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना करेंगे। बाबा बैद्यनाथ आने वाले प्रधानमंत्री पद पर रहकर, कोई प्रधानमंत्री पहली बार आ रहा है, राजीव गांधी आए तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इंदिरा गांधी आए तब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पहली बार आ रहे हैं और यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को सौरभ हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अनन्य शिव भक्त हैं और काशी में उनकी शिव भक्ति सबने देखी, केदारनाथ में देखी, सोमनाथ में देखी, हम हर जगह देखते हैं कि प्रधानमंत्री शिव के कितने करीब हैं, शिव भक्ति उनकी काफी फेमस है और इसलिए 2014 में जब वो सांसद चुने गए तो उन्होंने काशी को चुना और काशी की जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया। देखिए अब हम प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, आप तो रैली स्थल पर हैं, हम यहाँ उनके रोड शो में उनको लाइव देख पा रहे हैं। उनका चिर परिचित अंदाज, जैसे खिड़की अपने अपने दरवाजा गाड़ी का खोलकर उसके पायदान पर पैर रखकर वो खड़े होते हैं, हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और थोड़ी देर में जैसा कि विवेक आपको बता रहे थे वो बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की देश विदेश में, वहां वो पहुंचेंगे लेकिन लोग उनको देख पाएंगे क्योंकि लोग बड़ी देर से खड़े हैं सड़क किनारे पर, तो इसके लिए प्रधानमंत्री अब अपनी गाड़ी के बाहर आ गए हैं और आप देखिए कैसे मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोग उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं। देवघर से लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने, आप प्रधानमंत्री को देवघर की सड़कों पर रोड शो करते हुए देख सकते हैं।
भारी भीड़ उमड़ी है इस रोड शो में। 12 किलोमीटर लंबा यह रोड शो है और बड़ी तादाद में महिलाएं आपको इस रोड शो के अंदर जरूर नजर आएंगी। चाहे इस रोड शो का कोई भी कोना रहा हो, आपको वहां पर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आई। सभी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं उनके शहर आने पर, उनके देवघर आगमन पर। और फिर एक बार जो है प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं क्योंकि उनको आगे अपने इस कार्यक्रम को वक्त पर भी बढ़ाना है। आज का व्यस्त दिन है। मोदी के नारों से गूंजता हुआ, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंजता हुआ यह पूरा इलाका, 10 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है प्रधानमंत्री का। और यहाँ इस पूरे इलाके में सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उनका। तो गाड़ी के अंदर से बैठे हुए भी आप देख सकते हैं दोनों ओर हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री वहां मौजूद लोगों का प्यार स्वीकार कर रहे हैं, उनका आदर स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। और आप सोचिए इतनी भीड़ अगर सड़क किनारे लोगों की है, हजारों लोगों की, तो जो कॉलेज ग्राउंड जहां पर आयोजन है वहां आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग पहुंचे होंगे। आपको वहां की तस्वीरें लगातार विवेक के कैमरे से हम दिखा रहे थे। विवेक, अब यहां पर आप देखिए कितनी भीड़ है चारों तरफ और मुश्किल से वहां पुलिसकर्मियों ने लोगों को सड़क पर किनारे पर रोक रखा है। लोगों का बस चलता तो वो नजदीक पहुंचकर गाड़ियों के प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। और कोई प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथ में लेकर के आया है, कोई फूलों से भरे थैले लेकर के खड़ा है, फूल बांटे जा रहे हैं लोगों के बीच में उनके ऊपर बरसाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर, और भारी पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं। और खास तौर पर जो निजी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, उनके लिए तो बहुत ही मशक्कत का वक्त ये होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में लगातार इस प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है और अभी वो दो बड़े उपहार देवघर की जनता को देकर के आ रहे हैं। एक तो देवघर का एयरपोर्ट और दूसरा देवघर का एम्स हॉस्पिटल। स्कूल के बच्चे भी खड़े हैं, देखिए भारी संख्या में स्कूली बच्चों को भी आपने देखा। और ये बीच की तस्वीर वो है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचेंगे इस रोड शो के जरिए। वो बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, देश विदेश में इसकी मान्यता है। और यहां आने वाले भी वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यहां वो पूजा करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर वो रैली स्थल पर जाएंगे जहां पर विवेक मौजूद है लाइव अपने कैमरे के साथ। और वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाखों लोग पहुंचे ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा उस कॉलेज ग्राउंड में भी। और वो जो भाषण होगा वहां से आपको जो बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के हिस्सों का एक अंग जो है वो मजबूत और दूसरा अंग कमजोर नहीं हो सकता, हमारा पूर्वी अंग जो है देश का उसको मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और दो महत्वपूर्ण कदम हम आज एयरपोर्ट और एम्स के जरिए देख भी चुके हैं। तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पूजा के लिए। और इस बीच सड़कों पर उनका जैसे स्वागत हो रहा है, तालियां बजाकर, नारेबाजी करके, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे हर जगह गूंज रहे हैं, पोस्टर बैनर बनाकर के लोग लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद और स्वागत करने के लिए उनके देवघर आगमन पर। और इस रोड शो की अवधि भी काफी लंबी है, डिस्टेंस बहुत है, 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा ये करनी है उनको और इस भीड़ के बीच में से गुजरना। और ऐसा नहीं जब इतने लोग खड़े हों तो आपने देखा है हमेशा प्रधानमंत्री रुक रुक कर, कभी गाड़ी के बाहर निकल कर और बहुत धीमी रफ्तार में फिर गाड़ी चलती है, लोगों का अभिवादन करते रहते हैं। और इसलिए इसमें समय जो है वो लग रहा है, थोड़ी देर में वो अब पहुंचने वाले हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर जहां वो पूजा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो परिसर है उसके भी और नवीनीकरण के लिए, वहां सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चलाई गई थी, वो भी अब समर्पित की जा चुकी हैं लोगों को। तो ये झारखंड का एक महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 18,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और उनका जो कनेक्टिविटी है उसको किया है, लोगों के अकाउंट में जिस तरह से सीधे पैसे पहुंचने लगे हैं, भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री ने किया है। और यहां से अब वो धीरे धीरे बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाता है कि संथाल परगना के
एक बार फिर हम विवेक के पास चले, अगर विवेक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो एक बार रैली स्थल की तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखाते रहे, क्योंकि वहां पर भी बहुत उत्साह से भरे हुए लोग इस वक्त मौजूद हैं और कैमरा सामने देखते ही लोगों का जोश जो है वो देखते ही बनता है। झारखंड में बहुत रैलियां इससे पहले प्रधानमंत्री की हुई होंगी, लेकिन देवघर में शायद ऐसा रोड शो इससे पहले ना हुआ हो, मंदिर में जाना इससे पहले शायद प्रधानमंत्री का मोदी का ना हुआ हो, इस लिहाज से ये एक विशेष आयोजन जो है, विशेष दिन देवघर के लिए कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आज बाबा बैद्यनाथ धाम जाना, भगवान शिव के की उनकी भक्ति जो है वो सभी जानते हैं। देखिए एक बार फिर गाड़ी रुकी है और प्रधानमंत्री मोदी फिर गाड़ी से बाहर निकले हैं और लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका ये प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। विवेक, आप कितना खास मानते हैं आज देवघर का ये दौरा प्रधानमंत्री का? जिस तरीके से हम सड़कों पर लोगों का हुजूम देख रहे हैं उससे तो ये लगता है कि वाकई देवघर जो है उनके लिए बहुत बड़ा अवसर और मौका है कि प्रधानमंत्री उनके शहर पहुंचे हैं। देखिए सौरभ, आप बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ी बात ये कि बहुत बड़ा दिन है देवघर वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर झारखंड को दिया है, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो यहाँ पर एयरपोर्ट हो, चाहे वो एम्स हो, यहाँ के लोगों के मूलभूत जीवन को सुधारने की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम होगा और उसका परिणाम है, लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा काम किया है झारखंड के लिए, देवघर के लिए। लोग शुक्रिया अदा करने के लिए देखिए कितनी दूर दूर से और कितनी ज्यादा संख्या में आए हैं। यहाँ पर गोड्डा, बांका, दुमका, देवघर, जसीडी, मधुपुर, हर जिले से, आसपास के जितने जिले हैं, हर जगह से लोग आए, क्योंकि एम्स सिर्फ देवघर के लिए नहीं है, एम्स यहाँ के आसपास के लगभग बता दें आपको कि 8 से 10 जिलों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा और भी बिहार के कई जिलों को यहाँ पर एम्स मदद पहुंचाएगा, वहां के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाएंगी, पश्चिम बंगाल के कई जिलों को चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाएंगी, एयरपोर्ट का इस्तेमाल ठीक इसी तरह से किया जा सकेगा। तो ये सिर्फ देवघर की बात नहीं है और इसलिए यहाँ पर जो लोग आए हैं आज वो सिर्फ देवघर से नहीं आए हैं, यहाँ पर झारखंड के बहुत जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। और प्रधानमंत्री का संबोधन अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि गोड्डा में भी एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, इसके अलावा झारखंड में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए बोकारो में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है झारखंड के लिए, बहुत बड़ी बात है और एक प्रधानमंत्री होने के लिहाज से आज देवघर में बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री का आगमन भी एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि महादेव के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि शक्तिपीठ भी यहीं पर है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है और उसी मंदिर परिसर में बाबा बैद्यनाथ भी है। बाबा बैद्यनाथ, शिव पार्वती की ये जोड़ी कहते हैं, जो इनका दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये बहुत पावरफुल प्लेस माना जाता है देवघर, आराधना के लिहाज से, भक्ति के लिहाज से, शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा गढ़ रहा है। पूर्वी राज्य तमाम यहाँ पर, पूर्वी राज्य के लोग आते हैं, पूर्वोत्तर से तमाम लोग आते हैं, उधर आपका मध्य प्रदेश, ओडिशा तक से लोग आते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक का केंद्र रहा, अध्यात्म का केंद्र रहा है। तो ये जगह बहुत ज्यादा लोगों को अपने ओर लुभाती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो प्रधानमंत्री ने हमेशा ईज ऑफ लाइफ की बात की, उन्होंने कहा कि जीवन को सरल कैसे बनाया जाए, मेरी सरकार हमेशा इस दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, और इस वाक्य को चरितार्थ किया पिछले 8 सालों में। विवेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा आएंगे आपके पास, देखें एक बार फिर नजदीक से प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो आप इस वक्त देख सकते हैं और कितना नजदीक होते हैं लोग उनके, आप ये भी देखिएगा, चंद फीट की दूरी पर सैकड़ों हजारों की भीड़ उनके पास होती है, उनके सामने होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गाड़ी के बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और धीरे, गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत धीमी रफ्तार में गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हैं पुलिस वाले, सुरक्षाकर्मी कैसे लोगों को बमुश्किल बैरिकेड के पीछे रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी इस वक्त इस रोड शो में शामिल हैं और ऐसा नहीं आप कह सकते तस्वीरों को देखने के बाद, ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये सब आम निवासी हैं देवघर के जो बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए और बड़ा लंबा रोड शो, 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ये रखा गया प्रधानमंत्री का। सुरक्षा कर्मी है उनको बहुत मशक्कत, जगह जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर कटआउट लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन भी दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है देवघर की सड़कों के बीच से गुजर रहे हैं। प्रसन्न चित्त है
ये देखिए स्कूल के बच्चों ने भी उनको उनके स्वागत के लिए सड़कों पर कैसे खड़े होकर उनका इंतजार किया। छुट्टी कर रखी है और प्रधानमंत्री भी पूरा मौका दे रहे हैं कि लोग उनको देख पाए, उनकी एक झलक पा पाए, क्योंकि इसी के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं गर्मी में काफी देर से। प्रधानमंत्री के रोड शो की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवघर से लाइव तस्वीरें। पूरी गाड़ी जो है फूलों से ढकी हुई है, जगह जगह पुष्प वर्षा की गई है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए गाड़ी के बाहर निकलते हैं, गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती है ताकि लोग प्रधानमंत्री को देख पाएं, उनको नजदीक से देख पाएं, और फिर प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी रफ्तार बढ़ाई जाती है क्योंकि उनको अभी यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम भी जाना है और वहाँ भी उनको कुछ वक्त लगेगा। बताया जा रहा है 20 मिनट का वक्त वो मंदिर के अंदर रहेंगे और फिर उसके बाद उनकी एक सार्वजनिक सभा आज के लिए रखी गई है। तो शानदार रोड शो प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री गाड़ी से क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, देखिए आप प्रधानमंत्री जहां जहां से गुजर रहे हैं कैसा भव्य स्वागत जो है वो उनका किया जा रहा है और बहुत जल्द वो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचने वाले हैं। लेकिन देखिए बैरिकेड लगाकर भले ही लोगों को रोकने की कोशिश की गई है और लोग भी बड़े संयमित होकर वहां मौजूद हैं, उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा होता है मामला सारा। लेकिन आप कितनी भारी तादाद में लोग आज उमड़ करके आए हैं और किसी भी नेता के लिए जनता का ऐसा प्यार, ऐसा आभार जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। देवघर के इस रोड शो में देवघर की जनता ने अपार प्यार लुटाया है प्रधानमंत्री के ऊपर, कहना पड़ेगा। हजारों की तादाद में जिस तरीके से सड़क के दोनों ओर इकट्ठा होकर और पूरी यात्रा के दौरान, ये 12 किलोमीटर की पूरी यात्रा के दौरान कहीं ऐसा पल नजर नहीं आया जहां पर लोग ना खड़े हों, जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत ना किया हो, फूल ना उनके ऊपर बरसाए हों, जहां नारेबाजी ना सुनने को मिली हो। हर जगह पर जहां से भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं देवघर में, वहां ऐसे ही दृश्य, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं और इसी वजह से ज़्यादा वक्त भी लग रहा है उनको मंदिर पहुंचने में। रास्ता इतना लंबा भी नहीं है लेकिन बहुत देर से ये रोड शो चल रहा है, उसकी वजह ये है कि लोग चारों तरफ इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं कि प्रधानमंत्री को बार बार गाड़ी से बाहर निकल कर उनका यह आशीर्वाद स्वीकार करना पड़ रहा है। और आप देखिए कितनी धीमी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जगह जगह जहां से भी गुजर रहे हैं लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका यह आशीर्वाद, उनका प्रेम स्वीकार करते हुए। झारखंड के लिए जितनी विशेष परियोजनाएं उन्होंने चलाई, पूरी भी की हैं, वो भी लोग जानते हैं। ये देखिए स्कूल के कई बच्चे आपको खड़े नजर आएंगे इन तस्वीरों के अंदर, सबके हाथों में कैमरा, सब तस्वीरें बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
और इसी के साथ एक और शिव धाम के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी के सांसद हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अक्सर जाते रहते हैं, वहाँ के सांसद होने के नाते हमने देखा केदारनाथ मंदिर वो कितनी बार गए, और अब आज देवघर शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का भी वो दर्शन करेंगे, वहाँ जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे। और एक बार आपको रैली स्थल पर लेकर चलते हैं, विवेक वहां मौजूद हैं। विवेक, बहुत वक्त हो चुका प्रधानमंत्री के इस काफिले को चलते हुए, और सब वहां भी ये सोच रहे होंगे लोग कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में समझ के देख पा रहे हैं लोग इतने हैं सड़क के दोनों ओर कि प्रधानमंत्री की गाड़ी बहुत धीरे धीरे बढ़ पा रही है। प्रधानमंत्री बार बार अपनी गाड़ी के बाहर निकलते हैं, फिर लोगों की ओर हाथ हिलाते हैं, फिर थोड़ी देर में गाड़ी में बैठते हैं, तो ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है। बिल्कुल सर, रूट बहुत लंबा था, 12 किलोमीटर का रूट था और लोग बहुत ज्यादा आ गए और इसलिए रोड शो का वक्त बढ़ाना पड़ा, लेकिन रैली स्थल पर इंतजार किस तरह से हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे सामने आपको भीड़ नजर आएगी, सब यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं बहुत देर से, और 3 बजे जो है वो कम से कम यहाँ पर लोग आएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देर से इंतजार कर रहे हैं, हम 4 घंटे से इंतजार करते हुए आ रहे हैं। देखिए आपको दूर तक, जहाँ तक नजर जाएगी सौरभ, आपको भीड़ में सिर्फ मोदी मोदी लोग कह रहे हैं, और यहाँ पर काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी और वंदे मातरम जैसे नारे यहाँ पर लगभग 2 घंटे से लगाए जा रहे हैं, और अभी भी यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगभग बाबा मंदिर तक पहुंच गया है, और कुछ ही क्षणों में वो तस्वीर आएगी जब वो बाबा मंदिर के अंदर मौजूद होंगे और वहां पर गर्भगृह में पूजा करेंगे। मंदिर का कार्यक्रम आपको बता दें, मेरे वीजे जहान आपको रैली स्थल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, यहाँ पर आपको भीड़ नजर आएगी, माहौल पूरा बना हुआ है, लोग हाथ उठाकर अभिवादन करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी का। आप देखिए ताली बजाकर किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर पहुंचेंगे, मंदिर में उनका सबसे पहले स्वागत किया जाएगा धर्म रक्षिणी सभा की तरफ से, और आपको ये भी बता दें कि स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह में जाएंगे और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे बाबा बैद्यनाथ का, बैद्यनाथ का, महादेव का पूजा करने की, पूजा करने के बाद वहां से निकलेंगे, और वहां से निकलने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए रुका है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन वहां से प्रधानमंत्री जब पूजा खत्म हो जाएगा तो उन्हें धर्मरक्षिणी सभा की तरफ से एक मोमेंटो भेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री रैली स्थल के लिए रवाना होंगे। यानी अभी भी लगभग 45 मिनट का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, जो टेंटेटिव टाइम है वो 3:30 बजे का। आप उत्साह देखिए किस तरह का, मैं आप बीजेपी को बोलूंगा वो लेकर चले आपको, और नहीं जाहिर है आपके कैमरे से वो जोश उत्साह लोगों का नजर आ रहा है, और जैसा अभी एक सज्जन बोल रहे थे 4-5 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए देवघर शहर के बिल्कुल बीचों बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक काफिला पहुंच गया है, तो ऐसा लगता है कि बस कभी भी वो मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पहले वो पूजा करेंगे और फिर वहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।